तो आईपीएल 2022 रिटेंशन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आईपीएल के सभी टीमों ने अपना अपना रिटेन प्लेयर लिस्ट अनाउंस कर दिया है, यानी कि सभी टीमों ने अपने किन किन खिलाड़ी को दोबारा अपनी टीम में शामिल किया है रिटेन करके वो अनाउंस हो चुका है, ऐलान हो चुका है। जिन जिन खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया गया है वो सभी खिलाड़ी रिलीज यानी कि बाहर हो गए और ये रिलीज होने वाले सभी के सभी खिलाड़ी जाएंगे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। और इस बार नीलामी से अपने पुराने खिलाड़ी को दोबारा खरीदना काफी मुश्किल होगा क्योंकि इस बार 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जिन जिन टीमों ने अपने बड़े खिलाड़ी को छोड़ दिया है वो काफी बड़े घाटे में। तो बिना देरी के भी चलिए बात करते हैं आईपीएल 2022 की सभी टीमों के कन्फर्म रिटेन प्लेयर लिस्ट के बारे में जो कि आधिकारिक तौर पर कन्फर्म और फाइनल हो चुका है। आईपीएल के सभी टीमों ने खुद अनाउंस किया है, साथ ही साथ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने भी ऐलान कर दिया है। तो कुछ इस तरह से है चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेन प्लेयर लिस्ट। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इन चार खिलाड़ी को रिटेन किया है आईपीएल 2022 के लिए। पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, तीसरे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और चौथे खिलाड़ी मोइन अली। तो इन चार खिलाड़ी को सीएसके ने रिटेन किया है, दोबारा ये चार खिलाड़ी सीएसके की टीम में शामिल हो गए। बाकी बचे हुए सभी के सभी खिलाड़ी बाहर हो गए यानी कि रिलीज कर दिया गया है उन्हें। अब अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में तो मुंबई इंडियंस की टीम ने इन चार खिलाड़ी को रिटेन किया है। पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा, दूसरे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, तीसरे खिलाड़ी कायरन पोलार्ड और चौथे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। तो एमआई की टीम ने इन चार खिलाड़ी को रिटेन किया है आईपीएल 2022 के लिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस की टीम ने रिलीज यानी कि बाहर कर दिया है, उन्हें छोड़ दिया है। अब अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के बारे में तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी चार खिलाड़ी को रिटेन किया है आईपीएल 2022 के लिए, जो कि पहले खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, दूसरे खिलाड़ी पृथ्वी शाह, तीसरे खिलाड़ी अक्षर पटेल और चौथे खिलाड़ी एनरिस नोर्तजे। तो इन चार खिलाड़ी को डीसी की टीम ने ऑफिशियली रिटेन कर लिया है। बाकी बचे हुए खिलाड़ियों में शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, कगिसो रबादा, जबकि स्टीवन स्मिथ, सैमुअल हिटमायर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को इस टीम ने छोड़ दिया है। तो वहीं रविचंद्र अश्विन को भी इस टीम ने रिटेन नहीं किया बल्कि रिलीज यानी कि बाहर कर दिया है। अब अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में तो केकेआर की टीम ने भी चार खिलाड़ी को रिटेन किया है, जिसमें नाम है नंबर एक पर सुनील नारायण, नंबर दो आंद्रे रसल जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर तीन वरुण चक्रवर्ती और नंबर चार पर वेंकटेश अय्यर। तो केकेआर की टीम ने इन चार खिलाड़ी को रिटेन किया है, जहां हैरान करने वाला फैसला यह रहा कि सुभमन गिल को रिटेन नहीं किया गया है। तो वहीं जॉन मार्कन, पैट कमिंस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को इस टीम ने छोड़ दिया यानी कि रिलीज कर दिया है, बाहर कर दिया है। अब अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में तो गाइस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने तीन ही खिलाड़ी को रिटेन किया है, जिसमें पहला नाम है संजू सैमसन का, दूसरा नाम जोश बटलर और तीसरा नाम यशस्वी जायसवाल का है। तो इन तीन खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिटेन किया है आईपीएल 2022 के लिए, जहां हैरान करने वाला फैसला यह रहा कि इस टीम ने न तो बेन स्टोक को रिटेन किया है और न ही जोफ्रा आर्चर को। हालांकि एक टीम मैक्सिमम दो विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। तो वहीं इस टीम ने न तो राहुल तेवतिया को रिटेन किया, न ही किसी और युवा खिलाड़ी को जैसा कि शिवम दुबे हो गए। तो वहीं चेतन सकरिया और कार्तिक त्यागी जैसे युवा तेज गेंदबाजों को भी इस टीम ने रिटेन नहीं किया। तो ये काफी हैरान करने वाला रहा, मात्र तीन ही खिलाड़ी को इस टीम ने रिटेन किया है। अब अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में, लेकिन आरसीबी का फैसला अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे गलत फैसला रहा है। काफी खराब रिटेंशन प्रक्रिया इन्होंने यूज की है पहले खिलाड़ी के तौर पर। हालांकि विराट कोहली को इस टीम ने रिटेन किया, ये काफी अच्छा फैसला रहा। दूसरे खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल को इस टीम ने रिटेन किया, ये भी बढ़िया फैसला रहा। लेकिन तीसरे खिलाड़ी के तौर पर इस टीम ने मोहम्मद सिराज को रिटेन किया, इन पर काफी इन्वेस्ट भी किया था इस टीम ने। मोहम्मद सिराज को रिटेन करना इनका हक भी बनता था और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा फैसला रहा। तो आरसीबी ने मात्र तीन ही खिलाड़ी को रिटेन किया, चौथे खिलाड़ी के तौर पर इस टीम के पास ऑप्शन थे दौदर पड्डीकल, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल। इनमें से तो किसी एक को रिटेन करना चाहिए था, लेकिन आरसीबी की टीम ने ऐसा नहीं किया, मात्र तीन ही खिलाड़ी को आरसीबी की टीम ने रिटेन किया है। अब अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने तीन खिलाड़ी को रिटेन किया है, जहां सबसे हैरान करने वाला फैसला यह रहा कि राशिद खान को इस टीम ने रिटेन नहीं किया है कुछ दिक्कतों की वजह से। तो इनके तीन खिलाड़ी जो रिटेन हुए हैं आईपीएल 2022 के लिए एसआरएस की टीम में, पहले खिलाड़ी केन विलियमसन है, दूसरे खिलाड़ी हैं उमरैन मलिक युवा फास्ट बॉलर, तीसरे खिलाड़ी हैं अब्दुल समद बेहतरीन युवा प्लेयर। अब अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बारे में तो गाइस पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए हैरान करने वाला फैसला लिया, मात्र दो ही खिलाड़ी को इस टीम ने रिटेन किया, पहले खिलाड़ी के तौर पर मयंक अग्रवाल और दूसरे खिलाड़ी अर्शदीप सिंह युवा फास्ट बॉलर। हालांकि यह टीम और भी कुछ खिलाड़ी को रिटेन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया इस टीम ने। तो
मुंबई सिरा आईपीएल 2022 के लिए पुरानी 8 टीमों के द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट, जैसे कि हमने आपको बताया जो जो खिलाड़ी रिटेन हुए वो दोबारा अपनी अपनी टीम में शामिल हुए और आईपीएल 2022 में भी अपनी पुरानी टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो जो खिलाड़ी रिटेन नहीं हुए वे सभी के सभी जाएंगे मेगा ऑक्शन यानी कि बड़ी नीलामी में और वहां पर कोई भी टीम उन्हें खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और इस बार तो मिनी ड्राफ्ट भी होने वाला है, मेगा ऑक्शन से पहले मिनी ड्राफ्ट होगा जहां लखनऊ और अहमदाबाद ये दोनों टीम तीन तीन खिलाड़ी को पहले ही पिक कर लेंगी और जो खिलाड़ी बचेंगे वो मेगा ऑक्शन में होंगे और वहां पर भी 10 टीम होंगी। तो पुराने खिलाड़ी को खरीद कर दोबारा अपनी टीम में शामिल करना ये काफी दिक्कत होने वाला है सभी टीमों के लिए। अगर अच्छा खिलाड़ी है तो फिर वो दूसरे टीम में जाने के उसके चांस 99% या फिर 100% आप कह सकते हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी के पीछे एक दो टीम नहीं बल्कि पूरी 10 टीम होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपके अनुसार इन सभी टीमों के द्वारा किस टीम ने सबसे बढ़िया रिटेंशन प्रक्रिया इस्तेमाल किया है, किस टीम ने सबसे बढ़िया फैसला लिया है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरे हिसाब से तो आरसीबी, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ये टीमों ने काफी गलत फैसला लिया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में पूरे दुनिया में सबसे तेज सबसे पहले क्रिकेट की हर अपडेट्स दी जाती है। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जबकि आप इंस्टा फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं।